मार्च 2000 में मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ ऋषिकेश में होली स्पेशल एडवांस कोर्स करने के लिए गया था और मेरा सुदर्शन क्रिया मुझे बहुत अच्छी लगी थी कोर्स में, बट फिर भी गुरुओं के प्रति या बाबाओं के प्रति मेरे मन में बिल्कुल ही आदर भाव आस्था नहीं थी। तो मैं एक शंका लेके, एक डाउट लेके ही ऋषिकेश पहुंचा। वो एडवांस कोर्स में मौन होता है, तो मौन में हम खुद को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, हमारे खुद के साथ हम बातें भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो मैं इंटेलेक्चुअल ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति रहा हूँ, मैं चेस भी खेलता था, तो बुद्धि जो है वो हमेशा टेढ़ी ही चलती थी। तो गुरुदेव को देखेंगे ये बाबा भी बाकी बाबाओं जैसे है या क्या है, ऐसा एक परीक्षा कह सकते हैं लेने के लिए ही मैं वहाँ पहुँच गया। करीब 2,250 से 2,500 लोग थे शिविर में। गुरुदेव आते थे दोपहर को, शाम को सत्संग में भी आते थे। तो शायद मेरे लिए उनको कुछ अलग ही अनुभव से गुजारना होगा। मुझे याद है कि मैं उस समय भी जब भी सेवा का मौका मिलता था तो मैं किचन में जाके जो भी सब्जी कटिंग करना है या बर्तन धोना है या जो भी कुछ सेवा है उसका मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मैं शाम के समय में गंगा के किनारे बैठा था, गंगा जी बह रही थी, एक मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं एक पत्थर पे बैठा था और गंगा जी का निरीक्षण करते 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 मेरी कब आंखें बंद हो गई अपने आप, मुझे पता भी नहीं चला। और काफ़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली और आंखें खुलते ही बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम चला गया है। और मैं वापस आश्रम में आया, सत्संग में गुरुदेव आए थे, गुरुदेव के साथ सत्संग में सवाल जवाब होते हैं। तो गुरुदेव को किसी ने सवाल पूछा ध्यान के बारे में, तो गुरुदेव ध्यान के बारे में बोलते बोलते फिर बोलने लगे कि देखिए, जैसे आप गंगा किनारे बैठे हो और गंगा जी को देखते देखते आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता, आपकी आंखें खुल जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, ये भी ध्यान ही है। और ऐसा बोल के गुरुदेव की नज़र मेरे तरफ आई तो मैं थोड़ा चौंक गया। दूसरा इंसिडेंस ये था कि मैं किचन में सब्जी कटिंग कर रहा था, आलू, गाजर, ककड़ी ये सब काट रहा था, तो मेरे मन में ऐसे विचार भाव आना शुरू हुए कि ये जो सब्जियों को मैं काट रहा हूँ ये अभी इतने 2,500 लोग यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इन लोगों के पेट में ये सब्जियाँ जाएगी, कितना बड़ा भाग्य है इनका, ताकि ये और कहीं भी किसी ढाबे पे जहाँ पे व्यसन करते हैं लोग वहाँ पे भी ये सब्जियाँ हो सकती थी, पर आज ये यहाँ पे है। तो ये तो जब पेट में जाती होंगी तो इनको मुक्ति ही मिलती होगी, ऐसा एक मेरे मन में विचार आया। जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड था ऐसा सोचना असंभव है मेरे लिए, पर शायद ये सत्संग का असर था कि ऐसी सोच
मेरे मन में आई। और उस दिन जब हम सत्संग में गए तो किसी सवाल का जवाब देते देते गुरुदेव बोलने लगे, देखिए आप भजन गाते हो, भजन एक आवाज़ जो है, एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? आप जो पेट में जो भी आपने खाया है, चावल है, सब्जियां है, रोटी है, यही तो गा रहे हैं ना, यही भजन गा रहे हैं, यही ध्यान कर रहे हैं। और ये बोलते बोलते फिर से गुरुदेव की नज़र मेरी तरफ गई, मैं फिर एक बार शॉक हो गया, क्योंकि जो मेरे मन में विचार आए थे वो सिर्फ मैं ही जानता था, ना मैं किसी से बात किया, मौन में था क्योंकि मैं, और इतने सारे लोगों में पता नहीं गुरुजी ने ये कैसे मेरे मन की बात जान ली और ये मेरे मन में कैसे चल रहा है, और ये मुझे प्रूफ दिलाने के लिए शायद वो ख़त्म करके मेरी तरफ देख रहे थे। ये दो इंसिडेंट्स जो हुए तब मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ अलग है, जितना सिंपल हम इनको देखने की कोशिश करते हैं, जितना ये विनम्र है, पर कुछ तो गहरा गहरी बात इनमें ज़रूर हो सकती है। और ये मेरा पहला एक विश्वास कह लीजिए, एक डिवोशन कह लीजिए, वो गुरुदेव के प्रति आने की शुरुआत हो गई। जय गुरुदेव, नमस्कार।